एक टीन है जिसको चारों ओर से खुला हुआ है, बीच में पानी की व्यवस्था है और चारों ओर जो खुला हुआ है उसमें दाना का व्यवस्था है। इसमें अनेक तरह के पंछी आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर उड़ जाते हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ पर पशुओं के संरक्षण का काम करते हैं? हम लोग जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, एक टीन है जिसको चारों ओर से खुला हुआ है, बीच में पानी की व्यवस्था है और चारों ओर जो खुला हुआ है उसमें दाना का व्यवस्था है। जिसमें अनेक तरह के पंछी आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर उड़ जाते हैं। हम लोग एक दिन बीच करके पर डे मॉर्निंग में आते हैं और उसमें दाना पानी डालते हैं। तो देख रहे हैं कि आप लोग पुराने पानी को हटाते भी हैं, साफ भी करते हैं। हाँ, जैसे गंदा पानी किसी के लिए भी हानिकारक होता है, इसके लिए पक्षियों के लिए भी हम लोग के लिए रोजीना साफ पानी को मतलब बदलते हैं, उसको टीम को साफ करते उसके बाद डालते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? जैसा कि बताएं कि हम लोग न्यूज़ चैनल, टीवी एड, पेपर में एड निकलता है कि पक्षियों के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम लोग भी इसी कारण उन लोग से प्रेरणा मिलकर हम लोग कर रहे हैं। कब से अभियान आप लोग? 2017 से। आप करते क्या हैं? मेरा हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मेरा मतलब पापा दुकान करते हैं, तो उसमें पापा का हेल्प करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या यहाँ पर पक्षी के लिए करते हैं? हम लोग करीब 5 वर्षों से एक अभियान चलाए हैं, दाना पानी लगाओ, पंछियों को बचाओ। पंछियों को बचाने के लिए एक अभियान चलाए हैं। रामशिला पहाड़ के अनेकों पेड़ों पर हमने खुला पिंजरा खुद से बनाकर उसको टांग दिया है, उसको टीन को चारों तरफ से टांग दिया है, जिसमें जाना जहाँ जहाँ कटा हुआ है उस वहाँ पे दाना रख देते हैं और बाकी बीच में पानी दे देते हैं। इसमें पंछियाँ आती है और खा के और चली जाती है, क्योंकि बढ़ते गर्मी में तो जहाँ आदमी तराही तराही है वहाँ तो पंछियों को पानी जहाँ तहाँ मिलता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो गया। इसे देखते हुए हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण को अगर बचाना है तो पंछियों को उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पंछी, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी इस काम के लिए? ये हम लोग को प्रेरणा मिली थी चैनलों के माध्यम से या ऐड के माध्यम से हम लोग को, और बहुत देखे भी थे, बहुत सारे को करते, इसी से हम लोग को सोशल मीडिया से ज़्यादा हमको ये प्रेरणा मिली थी। तो क्या लक्ष्य है आगे? क्या हम लोग का लक्ष्य है कि आगे अभी तैयार कर रहे हैं कि गर्मी में तो करवे करते हैं, अब ठंडे में भी इन लोग को आवास मतलब पंछियों के लिए आवास योजना हम लोग चलाएंगे, जिसके लिए कार्टून से या फिर जो फल वाला जो लकड़ी होता है उसके लिए उसका घोंसला बनाएंगे और उसको पेड़ों पर लगाएंगे, ताकि वो गर्मी ठंडे के दिन में वो आराम से अपना सो सके और गुजारा कर सके। कितने लोग जुटे हुए हैं? ये हम लोग 3-4 ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसे बहुत सारा सपोर्ट सबका रहता है। क्या क्या डालते हैं ये खुला पिंजरा में? इसमें खुला पिंजरा में हम लोग दाना और पानी डालते हैं, ये एक रोज बीच कर हमेशा करते हैं। ये कौन सा पहाड़ है और किस तरह का पक्षी यहाँ पर बास करते हैं? ये रामशिला पहाड़ है, बागेश्वरी का, गया जिला का रामशिला पहाड़ है, बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है ये। और यहाँ पर जो अनेकों तरह के पंछियाँ सभी थोड़ा थोड़ा मतलब गोरैया भी आता है कभी कभी, ज़्यादा यहाँ होती है जो अनेक तरह के पंछियाँ मिलते हैं। आपके इस अभियान में सरकार का कोई सपोर्ट नहीं? इस अभियान में हम लोग सरकार का नहीं, हम लोग महल्ला चंदा करते हैं, आपस में जो ग्रुप है ग्रुप से चंदा करके और काम करते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह हम लोग सरकार से चाहते हैं? सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पंछियों के लिए एक लैब की व्यवस्था करें, क्योंकि पंछियों का जो बर्ड फ्लू होता है उसको लैब जो भोपाल में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, यहाँ से तो काफ़ी दिन हो जाते हैं वहाँ से रिपोर्ट आने में। तो हमारी सबसे पहले मांग है कि पंछियों के लिए एक लैब की व्यवस्था करें, टेस्ट की, उसके सारे चीज़ को टेस्ट करें और ये सरकारी स्तर से भी इस योजना को चलाया जाए।